छोड़ करके आए और उन्होंने कितने कठोर तपस्या कितने यज्ञ की थी तब घर में लाला हो। जब पहला बार उन्होंने लाला के मुख दर्शन की गुरुदेव यहाँ पर एक बड़ा सुंदर बात कहते हैं, बोले देखो बच्चा जब जन्म होता है ये मैया को साथ में बेटा का जो अंदर का जो नाड़ी जो जुटते हुए रहता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जगत का देवी ये नियम है नाड़ी कटने से पहले जो दान होता है उसको सर्वश्रेष्ठ दान बताते हैं। इसलिए कृष्ण का नाड़ी छेदन होने से पहले नंद बाबा ने संकल्प कर लिया 20 लाख गैया हम दान देंगे हाँ? और 7 दिन का पर्वत बना करके हम दान दक्षिणा देंगे सारे ब्राह्मण को। उन्होंने नाड़ी छेदन पहले से उसने बात उन्होंने संकल्प कर लिया श्री नंद बाबा। इतने में सारे ब्रज में ढिंडरा पिटवा दिया, सबके सब ब्रजवासी बधाई देने के लिए आए, सबके सब ब्रज गोपियां बधाई देने के लिए आए। लेकिन अभी श्री कृतिका सुंदर श्री वृषभानंद महाराज नहीं आए, देखते देखते वृषभानंद महाराज भी आ गए। बोले नंद महोत्सव होनी चाहिए। मैया कृतिका सुंदरी बड़ी सुंदर साड़ी पहन करके मट्टी में दूध दही मक्खन लेकर के आई थी। एक ब्रजवासी जाकर को मट्टी को जोर से मारे, मारते मट्टी फूट गई। कृतिका मैया तो दूध दही में पूरा पूरा स्नान कर लिए हाँ? लेकिन वहां पर इतने दूध दही मक्खन लाए थे हल्दी और उसमें घी लगा करके हल्दी दही में मिला करके एक दूसरे को ऊपर लगा रहे थे और गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। इतने कीचड़ कीचड़ हो गया एक दूसरे को ऊपर लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे थे। कहते श्री नंद बाबा का आंगन बहुत बड़ा आंगन था, इतने दूध दही मक्खन लाए थे पूरा का पूरा वो आंगन भर गया, लग रहा था जैसे खीर समुद्र प्रकट हो गया। और वहां पर नंद बाबा को पकड़ करके श्री ब्रजवासी कहा के बोले गोकुल के और श्री बरसाना के ब्रजवासी श्री नंद बाबा को पकड़ करके बीच में ले आए और कमर में फेटा बांध कर रखे थे। एक तरफ में नंदगांव के दूसरे तरफ में बरसाना का गोप दोनों तरफ में पकड़े हुए थे। श्री कवि कर्ण को बड़ा सुंदर वर्णना किया, समुद्र मंथन में देवता दैत्य मिलकर समुद्र मंथन किया था लेकिन यहाँ पर ब्रजवासी ये सबके सब निर्गुण और देवता दैत्य एक रजोगुण एक तमोगुण ये सबके सब निर्गुण। सबसे पहले वहां पर 20 उठा था लेकिन यहाँ पर सबसे पहले कौन उठा बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। यहाँ पर कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। जब से नंद बाबा दान कर रहे थे शंकर भी आए थे, शंकर जी डर गए बल्कियों उन्होंने कितने गैया 20 लाख गैया दिए। शंकर जी ने सोचा गैया दान देते थे भूल से मेरे नंदी को भी दान नहीं चले जाए, उनका पूछ पकड़ कर खड़े हुए थे। वहां पर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, कितने हाथी घोड़ा दान दिए वहां पर इतने। वहां पर मैया श्री पार्वती जी अपना बेटा कार्तिक और श्री कार्तिक को और श्री गणेश जी को लाए थे। गणेश जी का सर कैसे हाथी जैसे, वो तो डर के इतने हाथी दे रहे हैं हो ना हो भूल से मेरे बेटे को हाथी रूप में दान नहीं देते। इसलिए मैया पार्वती इसको गोद में लेकर खड़े हुए थे। स्वयं वहां पर कुबेर भी आए थे इतने रमा किरण अभूत निप सुखदेव गोस्वामी कहते इतने जान दौलत दान किए हीरे जवाहरात था। ब्राह्मण लोग गठली बांध बांध करके नहीं ले पा रहे थे, गठली की कोने से गिरते 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 जा रहा था। वहां पर ऐसे लग रहा था कृष्ण जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी सब गली गलियों में नाच रही है, इसलिए सबसे सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो हरे कृष्णा।